Friends, fail. The first attempt in learning. I say के results declared हुए and because of some reasons, might be of your mistakes, you were not able to make in this attempt. But life gives you chances. You can bounce back, you can do it. And this is why you are watching this video. That you have made firm कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाने वाला हूँ और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं अपनी स्क्रीन पर वो पासवर्ड लेकर आने वाला हूँ. एंड यस यू कैन डू इट. सो दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल बिकॉज इस वीडियो में हम लोग एक पूरा गाइडेंस समझेंगे कि अब क्या करना चाहिए, कैसे आगे मूव ऑन करना है और क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट कि ऐसी और अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ. प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. सो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अब नो वर्ड्स, अब सिर्फ एक्शंस के ऊपर हमको फोकस करना है. सो पांच चीज है जो कि हम लोगों को इस पूरे गाइडेंस वीडियो के थ्रू समझने को मिलेगी. सबसे पहली चीज क्या है कि आपको क्या करना है, SML करना है. क्या करना है? SML, दैट इज स्ट्रेंथ मिस्टेक्स एंड लर्निंग टेस्ट करना है आपका. SML टेस्ट में आपको ये देखना है कि इस अटेम्प्ट में आपकी स्ट्रेंथ क्या रही, क्या मिस्टेक्स आपकी थी और क्या लर्निंग्स आपने उन मिस्टेक्स से लिए. फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी आपको. क्योंकि देखो, जब तक आपको आपकी कमियां नहीं पता चलेगी ना, तब तक आप उन पर वर्क कैसे करोगे और उन्हें दोहराते रहोगे, तो ये आपको फिर अटेम्प्ट देता रहेगा. सो इन मिस्टेक्स को हमको ओवरकम करना है, इसलिए हमको पता करना है कि हमारी मिस्टेक्स क्या है और स्ट्रेंथ क्यों पता करना है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ हमको हेल्प करेगी उन मिस्टेक्स को ओवरकम करने में. तो सबसे पहले SML टेस्ट आप दीजिए एंड इस टेस्ट से अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है एंड मैं इससे क्या लर्निंग्स लेना चाहता हूं जो कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिपीट ना करूं. सो सबसे पहले अपने आपके माइंड को क्लियर कर दीजिए, सॉर्ट आउट कर दीजिए ये सारी चीजें. फिर फ्रेंड्स, सेकेंड चीज जिसको आपको ध्यान देना है वो है कि आपको दोनों अटेम्प्ट की तैयारी करनी है, सॉरी आपको दोनों ग्रुप्स की तैयारी करनी है या सिर्फ एक ग्रुप पे फोकस करना है. सो देखो, इसका सबसे सिंपल तरीका यह है कि अगर आपको लगता है कि आपकी दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग थी बट बिकॉज ऑफ आईसे चेकिंग या फिर किसी रीजंस के कारण आप पास नहीं कर पाए इस अटेम्प्ट में, तो फिर आपको दोनों ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए और फिर आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहना चाहिए एंड रिवीजन करके आपको दोनों ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए. बट आपको लगता है नहीं यार, मेरा पोटेंशियल जो है सिर्फ एक ग्रुप का है. सो आपको सिर्फ एक ग्रुप पर ही फिर फोकस करना है, अपने आपको फालतू में थोपना नहीं है दोनों ग्रुप्स के लिए. एक ग्रुप दो, एक ग्रुप पे फुल फोकस होकर अच्छे से स्टडी करो, अपना पूरा 100% लगा दो, पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एक ग्रुप की प्रिपरेशन करो और उसको दो. और एक ग्रुप की जब आप प्रिपरेशन करो तो आपको एकदम अच्छे से उसकी जी जान लगा के मेहनत करनी है, फोकस होकर उसके लिए तैयारी करनी, और एक ग्रुप दो एंड फिर सेकेंड ग्रुप की तैयारी करो. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है. अब सभी का केसेस अलग अलग हो सकता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों ग्रुप्स दो, बहुत सारे बोलते हैं सिंगल ग्रुप्स दो, बट ये डिपेंड करता है. अगर मैं भी बोल दूं बट आपके केस में दोनों ग्रुप्स एप्लीकेबल हो या आपके केस में सिंगल ग्रुप एप्लीकेबल हो, तो ये अब आपको समझना है कि क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है, कैसे आपको ग्रुप्स का डिसीजन लेना है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया. इसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड चीज जिसको आपको फोकस करना है और जो मुझे पता चली है बहुत सारे बच्चों से कांटेक्ट करके, उनके मैसेजेस मेरे पास आए, मैंने उनसे बात करी इंस्टाग्राम पे, पर्सनल कॉल्स के थ्रू भी बात करी एंड उनसे मुझे ये पता चला कि मेजर मिस्टेक्स जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो टेस्ट, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं. मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स. वो बोलते हैं कि एग्जाम से हमको पता ही नहीं चलता कैसे क्या करना है, क्या होना वाला है, कैसे आंसर्स लिखना है, कुछ क्लियरिटी नहीं रहती. और ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम लोग जो है वो अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते. सो आपको मॉक टेस्ट इस बार देना ही है. और देखो, मॉक टेस्ट क्यों देना है उसके लिए एक छोटा सा चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज समझिए आप. देखो क्या होता है कि दो जने हैं, एक के पास सारे शस्त्र और अस्त्र हैं और दूसरे के पास भी सारे शस्त्र और अस्त्र हैं और दोनों युद्ध के लिए जा रहे हैं. अब क्या होता है कि जब युद्ध में जाते हैं तो एक ने तो बहुत जम के प्रैक्टिस करी होती है पहले, उसको पता होता है ये अस्त्र को ऐसे फेंकना है, इस शस्त्र को ऐसे चलाना है, और एक की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होती, उसको पता ही नहीं कैसे अस्त्र शस्त्र. वो बोलता है जो होगा युद्ध में देखेंगे, अभी तो सिर्फ मजे करते हैं. अब आप ही बताइए कि युद्ध कौन जीतेगा, जिसको शस्त्र अच्छे से चलाते आते थे या जिसको, जिसने सिर्फ मजे करे थे और शस्त्र चलाते नहीं आते थे. तो आपको भी पता है कि जिसको अच्छे से चलाते आते थे वो जीतने वाला है. बस ये तरीका एग्जाम्स में मॉक टेस्ट देने का,
कि अगर आपको पता है कैसे आंसर्स लिखना है, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे आंसर्स को रखना है, कितने टाइम में हर चीज को कवर करना है, तो आप बहुत एडवांटेज होगा आपके पास, आपके पास एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मॉक टेस्ट दीजिए फ्रेंड्स। तो ये थर्ड पॉइंट था, मॉक टेस्ट पे आप फोकस करिएगा। फोर्थ चीज आपको ध्यान रखनी है कि अब आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल शेड्यूल बना लेना है और शेड्यूल को स्टिक करना है कि भैया ये मेरा शेड्यूल होने वाला है, इतनी बजे मैं उठने वाला हूँ, इतनी बजे मैं खाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, एवरीथिंग उस शेड्यूल में होना चाहिए। और बहुत सारे बोलते हैं कि मैं शेड्यूल्स बना लेता हूँ बट फॉलो नहीं कर पाते हूँ, तो आपको एक दो जने जो है ऐसे उनके साथ अपना शेड्यूल शेयर करना है जिसको आप अकाउंटेबल हो, या तो आपकी मम्मी, आपके पापा, भाई, या आपका कोई फ्रेंड जो आपके साथ स्टडी करता हो, उन सबके साथ ये चीजें शेयर करो और उन्हें अकाउंटेबल बनाओ कि वो चेक करें कि यार ये इस टाइम पे ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो आप डांट भी करो। और अपने आप को जब आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तब रिवॉर्ड्स दो, और जब आप गलत परफॉर्म कर रहे हो तो अपने आपको पनिशमेंट दो। तो इससे क्या होगा, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली जो स्ट्रेटेजी अपने आप अपनाओगे तो आप जो है और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, अपने आपको और ज्यादा अच्छे से उस शेड्यूल को मैनेज करने में लगा पाओगे। सो अब आपको प्रॉपर प्लान्स एंड शेड्यूल्स बनाना है अपने लिए इन रिटर्न, और वो ऐसे पर्सन के साथ शेयर करना है जिसको आप अकाउंटेबल हो और वो आपको अकाउंटेबल हो, ठीक है। और लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स मुझे पता है दिस इज वेरी डिफिकल्ट टाइम, एक बार फेल हो जाना है उसके बाद उस इमोशन से बाहर आना इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट कि आप बाहर आ ही नहीं सकते हैं, आपको लोगों को प्रूफ करके दिखाना है कि आप कर सकते हो। यू आर नॉट अ फेलियर, यू आर अ विनर एंड यू कैन डू इट। सो अब आपको ये थॉट प्रोसेस अपने माइंड से निकालना है, ऐसा सोचना ही नहीं कि अगर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया तो क्या होगा, ऐसा थॉट प्रोसेस लाना है। आपको बस ये सोचना है कि मैं पास होने वाला हूँ इस अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास होने वाला हूँ। आपको अपने आपको बहुत पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है, और इसका सबसे बेस्ट तरीका है तो मोर एंड मोर रिएक्शन वीडियोस देखिए। उस रिएक्शन वीडियोस में इतना खो जाइए कि ऐसा फील हो कि यार ये रिजल्ट डे जब आया ना तब मेरे साथ भी ये सारी चीज होना चाहिए, ऐसी सारी फीलिंग्स मेरे साथ होना चाहिए, ऐसी वाइब्स के साथ, ऐसे थॉट्स के साथ उन रिएक्शन वीडियोस को देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ पॉजिटिव बात करिए। अगर कोई आपको बोले ना कि यार ये नेगेटिव बात करिए सीए कोर्स के बारे में, ऐसे लोगों से अपने आप को दूर कर लीजिए और बार बार बस पॉजिटिव थॉट्स एंड वाइब्स सीए कोर्स से रिलेटेड और सीए रिजल्ट अपने रिजल्ट के लिए सोचिए। सो ये पांच बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी है इनको आप अच्छे से फॉलो करिए एंड डेफिनेटली इस अटेम्प्ट में आप पास करने वाले हैं। आपको कुछ भी हेल्प लगे, कुछ भी गाइडेंस लगे, सो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके लिए शेयर कर रखी है मेरे चैनल पर, जिसमें कैसे स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ऐसे और भी कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड फ्रेंड्स आप कर सकते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।